हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का सर्वे एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर के क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने SCF एंड LCF के टाइप 1 से लेकर टाइप 3 के क्वेश्चन को देखा है। जिसको वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में वो वीडियो अवेलेबल है, वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास में हम टाइप 4 क्वेश्चन देखेंगे SCF एंड LCF का। हम को कंप्लीट कराएंगे, इसके अलावा भी सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराएंगे। हम बिहार SSC इंटर लेवल 2023 की क्लास में अभी पहले चैप्टर SCF एंड LCF में है और उसका टाइप 4 आपके सामने है। क्वेश्चन सुनिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि जिससे कि 200 तथा 300 पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 तथा 300 पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, हम आपके सामने हर टाइप के क्वेश्चन को लेकर आएंगे SCF और LCM के। उसके बाद भी अगला चैप्टर जो भी आएगा, टाइम एनुअल या फिर कोई भी चैप्टर होगा, उसका सारा वीडियो आपके सामने हम लेकर आएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि वह बड़ी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 तथा 300 पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमें पर्चा निकालना पड़ेगा। पर्चा में ऑप्शन क्या कहता है? ऑप्शन है 20, 80, 40, 60। ठीक, ऑप्शन से आपको लगाना है। पहला ऑप्शन 20, दूसरा ऑप्शन 80, तीसरा ऑप्शन 40, चौथा ऑप्शन 60। अब आपको बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे आप विभाजित करने पर 200-300 पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी आप यहाँ पे 100 ले रहे थे, 100 से दोनों विभाजित होता, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में 100 नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें हीट एंड टायर का यूज करते हैं। क्या करते हैं? हीट एंड टायर का यूज। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे आसान तरीका हीट एंड टायर। सबसे बड़ी संख्या पूछा है, क्या पूछा है? बड़ी से बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या चारों में कौन सा दिख रहा है? 80। अब 80 से डिवाइड करके देख लीजिए, 200 कटेगा, 8 × 16, 8 × 24 नहीं कटेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। फिर अगला ऑप्शन 60, 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 × 24, 36 × 18, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद 40, 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 40 × 5 = 200 कटा, फिर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 × 30 = 4, 100 × 100 = 4, 28, फिर ये भी नहीं कटा। क्लियर? अब इसके बाद हम देखेंगे कि ऑप्शन हमारा फोर्थ बचता है, 20 से कटेगा, हाँ 20 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह हीट एंड ट्रायल मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? और बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछता है तो हम क्या निकालते हैं? SCF, यानी कि महत्तम समापवर्तक। हम 200 तथा 300 का महत्तम समापवर्तक भी निकाल सकते हैं, 300 और 200। क्लियर? यह हीट एंड ट्रायल मेथड था। पहला मेथड हीट एंड ट्रायल था, और दूसरा मेथड जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर SCF एंड LCF, उससे सॉल्व करेंगे। 200-300 का SCF निकालेंगे, एक बार जाएगा 200, ठीक, -100। क्लियर? अब 200 के बाद यहाँ 200 को उतारे, फिर ये 200 से कटा कटा, तो हमारा SCF कितना आया? हमारा SCF 100 आया, और आपको ऑप्शन में 100 नहीं दिख रहा है। तो आप बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? तो इसमें यह क्लियर होता है कि जो भी 200 का फैक्टर होगा, जो नंबर भी 100 का फैक्टर होगा, वही इसका इसको डिवाइड करेगा 200 और 300 को। तो 100 का इसमें आपको चारों ऑप्शन में फैक्टर कौन सा दिख रहा है? 100 का फैक्टर 80 दिख रहा है क्या? 80 फैक्टर है ही नहीं 100 का। क्लियर? और 60 भी 100 का फैक्टर नहीं है, 40 भी 100 का फैक्टर नहीं है। हमारे पास आंसर एकमात्र 20 है, जो 100 का फैक्टर है, जो 20 × 5 = 100 काटेगा। 80 × 80 = 160, 100 को नहीं काटेगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को आप दोनों मेथड सॉल्व कर सकते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से और SCF SCF निकाल के। बड़ी से बड़ी संख्या जब भी पूछेगा तो हम क्या करेंगे? SCF निकालेंगे। और ये जरूरी नहीं कि जो हमारा SCF है वही है,
ये तो कंपलसरी है कि ये आंसर 100 होगा ही होगा, लेकिन हमारे पास ऑप्शन को भी हमें देखना है कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है, क्या वो ऑप्शन में 100 दिया है कि नहीं दिया। नहीं दिया है तो 100 का जो फैक्टर होगा, जो भी फैक्टर 100 के होंगे वो आपको 20 से, अरे 100 और 200 कट करेंगे, ठीक, क्लियर। फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं 100 के, देखते हैं, हम आपके सामने दिखाता हूँ। 100 लिखा हमने, 100 का फैक्टर क्या होगा, एक होगा, एक से 100 कटेगा, दो होगा, दो, तीन नहीं होगा, चार होगा, चार के बाद पांच होगा, पांच के बाद छह नहीं होगा, सात नहीं होगा, आठ, आठ भी नहीं होगा, नौ, दस, दस होगा, दस के बाद 20 होगा, 20 के बाद 25 होगा, 25 के बाद 50 होगा, 50 के बाद खुद 100 होगा। इतने फैक्टर होंगे किसके, 100 के, क्लियर। तो अगर 100 की जगह ऑप्शन में 50 दिया होता तो आंसर 50 भी होता, 25 दिया होता तो 25 भी होता, 20 दिया है तो 20 आंसर होगा, क्लियर। जो भी ऑप्शन दिया होता है सब में सबसे बड़ी संख्या वो इसका आंसर होता, बड़ी से बड़ी संख्या होती, क्लियर। यह रहा आपका टाइप फोर क्वेश्चन, क्लियर। इसमें क्या है कि जो एचसीएफ आया वो हमारा आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, ऑप्शन पे। इसलिए आपको जरा भी उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमारा एचसीएफ 100 आ रहा है और आंसर ऑप्शन में 100 दिया ही नहीं है। तो 100 का जो भी फैक्टर होगा वो हमारा आंसर होगा, बड़ी से बड़ी संख्या होगी, एचसीएफ होगा, क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।